हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर लोकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक ऑफ क्लास 6। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो, सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में बताना है। इन्होंने पूछा है तो कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन से दिए, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर एंड जूट, ये जो है इन्होंने पूछे हैं। तो हमने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलेंगे, है ना। और सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, जो केमिकल से बने हुए हैं। ओके, तो अभी बताओ कि कौन से नेचुरल फाइबर इसमें से, इसमें से हमें मिलेंगे नेचुरल फाइबर वूल जो है नेचुरल फाइबर है, कॉटन जो है नेचुरल फाइबर है, सिल्क जो है नेचुरल फाइबर है और जूट नेचुरल फाइबर है। कॉटन और जूट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और जो सिल्क एंड वूल है, जो सिल्क एंड वूल है ये दोनों, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से। और वूल जो कहाँ से मिलेगा, इन दोनों में भी वूल जो है हमें कहाँ से मिलेगा, वूल जो हमें मिलता है गोट से, शिप से और याक से, रैबिट से, कैमल से। और सिल्क जो हमें कहाँ से मिलेगा, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें समझ आ गया कि कहाँ से कौन से नेचुरल फाइबर हैं और कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं। नेचुरल फाइबर वूल, कॉटन, जूट, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। यार्न्स जो है इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। हाँ, यार्न्स क्या थे, धागे। कहाँ से बन रहे थे, फाइबर से बन रहे थे। फाइबर क्या, कॉटन जो हमने खेतों से निकाली थी, तो हमने उसको यार्न में कन्वर्ट किया था ना, कैसे, स्पिनिंग से, है ना। तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। नहीं, स्पिनिंग से हमने क्या बनाया था, स्पिनिंग से हमने एक धागा बनाया था ना, ट्विस्ट एंड टर्न करके। तो स्पिनिंग से हम धागा बनाते हैं, ना कि फाइबर। फाइबर जो हमें खेतों से मिलता है और खेतों से हम उसको गिनिंग के मेथड से, जैसे कॉटन है तो कॉटन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, गिनिंग का मेथड यूज़ होगा। तो फाइबर हमें खेतों से मिलता है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट जो है वो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है। जूट हमें कहाँ से मिला था, जूट हमें एक जूट की प्लांट की स्टेम से मिला था, उसके तने से मिला था। तो कोकोनट के आउटर पार्ट से तो नहीं मिला ना, जूट की कवरिंग होती है। तो ये इसका मतलब है, ये फॉल्स है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी में बताया था कि गिनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सीड को और जो कॉटन को है अलग अलग करने का प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, गिनिंग बोलेंगे। वेविंग ऑफ यार्न्स मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जो यार्न्स को, यार्न का वेविंग मेथड से यार्न्स को हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं ना। तो टू यार्न्स को इकट्ठा करके, अरेंजमेंट करके तो फैब्रिक बनेगा। यस, वेविंग से फैब्रिक बनता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। नो, सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, सिल्क फाइबर हमें कोकून से मिलेगा, सिल्क वॉर्म के, ठीक है, ना कि स्टेम से। स्टेम से हमें जूट मिलता है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर क्या कोई नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर कौन से थे, वूल, कॉटन, जूट, है ना, सिल्क। तो इन पॉलिएस्टर तो एक सिंथेटिक फाइबर है, जो मैनमेड फाइबर है, जो केमिकल का बना हुआ है, तो ये तो फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो प्लांट फाइबर है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, कॉटन के प्लांट से और जूट के प्लांट से, ठीक है। एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। एनिमल के जो फाइबर हैं वो कौन से हैं, वूल एंड सिल्क, सॉरी गाइस। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेंड। कौन से प्लांट से कॉटन एंड जूट ऑब्टेंड होती है। कॉटन कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रूट। फ्रूट सेल निकाली थी ना हमने कॉटन,
जब वो फ्रूट था कॉटन का वो ब्रस्ट हो गया था, उसके अंदर से सीड दिखने लग गया था, तो हमने क्या किया था, कॉटन को और सीड को अलग कर दिया था गिनिंग के प्रोसेस से। तो कॉटन जो है हमें कहाँ से मिलती है, फ्रूट से मिलती है, और जो जूट है हमें कहाँ से मिलेगी, स्टेम से मिलेगी, स्टेम मतलब तना। जब जूट जो है जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आएगी और जब उसको हम हार्वेस्ट करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद हम क्या करेंगे उसको, उसको हम पानी के अंदर इमर्स करके रख देंगे, तो उससे क्या होगा, जो जूट का जो स्टेम है उस पर फाइबर जो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब फाइबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फाइबर को अलग निकाल लेंगे और जो स्टेम है उसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो जूट की जो स्टेम से हमें जूट मिलती है, जूट प्लांट की स्टेम से। नेक्स्ट है नेम टू आइटम दैट आर मेड अप ऑफ कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर के हमें क्या मिलते हैं, तो मैट्स और जो रोप्स हैं वो कोकोनट फाइबर की बनी हुई होती हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अभी जो यार्न मतलब धागा, फाइबर जो कॉटन या जूट उससे हमें धागा बनाना है, तो यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। तो धागा किससे बनेगा, स्पिनिंग के प्रोसेस से बनता है। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर आर ड्रोन एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स टूगेदर फाइबर टू फॉर्म अ यार्न। तो क्या करना है, कॉटन का एक कॉटन ले लो थोड़ी सी, उसको जो है उसको जो ट्विस्ट टर्न करो धीरे धीरे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यार्न बन जाएगा। और जो इसके लिए जो डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं वो क्या है, तकली और चरखा, तकली और चरखा जो है स्पिनिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो गाइस इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 3, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।